नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का टर्विता लोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरंजन एक बार पुनः आप सभी का इसी उम्मीद के साथ स्वागत करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी है, इससे आज पूरा विश्व लड़ रहा है, हम और आप भी लड़ रहे हैं साथ ही साथ, और इसको लड़ते हुए हमें अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है। जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होती हैं, आपको फिर से वैकेंसीज मिलेंगी जिनमें आपको अपनी प्रतिभा दिखाना है और एक पद अपने लिए आरक्षित कर लेना है। आज का जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, उत्तर प्रदेश की मैं जनगणना पढ़ाने चल रहा हूं। ये जनगणना वाला पार्ट मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन उसमें अधिकांश आंकड़े मैंने जिस सोर्स के माध्यम से पढ़े थे, जिस सोर्स से मैंने वो आंकड़े पढ़े थे, उस सोर्स में आंकड़े गलत दिए गए थे। उसी दिन हम लोगों ने सोच लिया था कि इन आंकड़ों को हम फिर हटा के दूसरा वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिसमें बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं, जिनमें कहीं पर भी आपकी भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं आपसे कि जो मैंने पिछली जनगणना पढ़ाई थी, उसका यदि आपने नोट्स बना लिया होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। यहां से एक नया उत्तर प्रदेश की जनगणना का हम एक यहां से नोट्स बनाएंगे, इसमें बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं। मानवीय भूल हो गई थी वहां पर हमसे, और मानवीय भूल का नतीजा ये रहा कि अधिकांश आंकड़े गलत हो गए थे। आप लोगों के बार बार फोन आए, आप लोगों के बार बार मैसेज आए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए संस्थान के द्वारा फैसला लिया गया कि उस वीडियो को हटाकर हम आपके लिए एक सटीक आंकड़ों का एक नवीन वीडियो लेकर आए हैं। आइएगा, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करते हैं तो वर्ष 2011 की जनगणना के बात हो रही है, ठीक ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो 19,98,12,341 है, और अगर हम इसको ओवरऑल भारत की जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो भारत में जितनी भी जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 125 करोड़, उस जनसंख्या का अगर परसेंटेज निकाला जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो एक प्रतिशत आता है कितना, 16.51। यानी उत्तर प्रदेश की एक तो आपसे जनसंख्या पूछ सकता है कि जनसंख्या कितनी है, या दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इसका प्रतिशतता ज्ञात कीजिएगा, बताइएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है, 16.51, ठीक ना। अब इस जनसंख्या में पूर्व जनसंख्या 10,44,80,510 है, जबकि महिला जनसंख्या की बात करें तो 9,53,31,831 है, ठीक ना। अगर इसका प्रतिशत निकाला जाए, यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 का अगर ये परसेंटेज निकाला जाए पुरुषों के संदर्भ में, तो ये प्रतिशत आता है कितना, 52.29, और महिलाओं के संदर्भ में प्रतिशत कितना आता है, 47.71। प्रश्न यहां पर आपसे कैसा पूछ सकता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत पुरुष जनसंख्या है, कितने प्रतिशत पूछे, 52.29। अगर केवल जनसंख्या पूछे 10,44,80,510, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला देखिएगा, राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की अगर जनसंख्या की बात की जाए, 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है, 3,07,91,331 कितना है, 3,07,91,331 है, और ये राज्य की कुल जनसंख्या का, यानी जो राज्य की कुल जनसंख्या है 19,98,00,000, उसका अगर परसेंटेज निकाला जाए 0 से 6 आयु वर्ग का उसके संदर्भ में, तो ये परसेंटेज कितना निकल के आता है, ये प्रतिशत या परसेंटेज निकल के आता है 15.41। कितना प्रतिशत निकल के आता है, 15.41% निकल कर आता है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, हमने पहले भी आपको बताया है, जब भी ये सिंबल बन जाए, इनका अर्थ कैसे होता है, जहां पर ये दो सिरे होते हैं, यहां जो संख्या लिखी होती है इसका मान बड़ा होता है, और जहां चोंच होती है इसका मान क्या होता है, इसका मान छोटा होता है, यानी बड़ा और एक छोटा। अब अगर हम यहां पर ऐसा बना दिए तो ये बाई बड़ा हो गया और एक छोटा हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो नंबर 1 पर है, प्रयागराज, मुरादाबाद,
गाजियाबाद, आजमगढ़, ये चार याद रखने हैं, ये घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर आपका आजमगढ़। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बात करें तो सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश के जिस जिले की है, महोबा, उससे ज्यादा चित्रकूट, उससे ज्यादा हमीरपुर, उससे ज्यादा श्रावस्ती, उससे ज्यादा श्रावस्ती। ये महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर के क्षेत्र में आते हैं, बुंदेलखंड रीजन में आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। अगला देखते हैं जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब होता है एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, या एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले पुरुषों की या व्यक्तियों की संख्या, पुरुष और महिला दोनों होते हैं, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी उत्तर प्रदेश में एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 829 व्यक्ति निवास करते हैं। देश में जनघनत्व में स्थान जो है वो 9वां स्थान है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी सबसे ज्यादा जनघनत्व में उत्तर प्रदेश जो है वो कौन से नंबर पर आता है, वो 9वें नंबर पर आता है, ठीक ना। मतलब 829 से भी अधिक जनघनत्व है कितने राज्यों का, 8 राज्यों का। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले घटता हुआ क्रम लिखा है मैंने यहां पर, सबसे ज्यादा जनघनत्व जिस जिले का है उत्तर प्रदेश के, उस जिले का नाम है गाजियाबाद, दूसरे नंबर पर वाराणसी, तीसरे नंबर पर लखनऊ और चौथे नंबर पर भदोई, ठीक ना, ये घटता हुआ क्रम है। और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, तो सबसे कम जनघनत्व जो पाया जाता है वो ललितपुर जिले का है, ललितपुर से अधिक सोनभद्र का है, सोनभद्र से अधिक हमीरपुर का है, और हमीरपुर से अधिक किसका है, हमीरपुर से अधिक महोबा जिले का है, ठीक ना। जिस प्रकार मैंने यहां पर संरचना बनाई है, इसको बनाने में काफी टाइम लग गया। आप ये जानते हैं कि TWA यानी टारगेट आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में जो भी अध्यापक आपको पढ़ाते हैं बहुत लगन के साथ पढ़ाते हैं, मान भी चूकें हो जाती हैं, ठीक ना, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी है। अगर कोई मानवीय भूल हो जाती है तो समय मिलते ही हम लोग उसकी सुधारने की भरपूर कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को हमारी किसी भी भूल के कारण कोई क्षति ना पहुंचे, उनका किसी भी प्रकार से सिलेक्शन बाधित ना हो। और आप लोग जो हमारे ऊपर विश्वास बनाए हुए हैं, उस विश्वास के लिए पूरी TWA टीम के द्वारा आप लोगों का सहृदय धन्यवाद। जो आप लोग हमारे ऊपर विश्वास बनाए हुए हैं, बैच लेखपाल भर्ती परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर दिए गए हैं आपको, उन नंबरों पर हमारे डाउट भी, आपको अगर किसी में डाउट होता है उसके लिए भी है, साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आप उन पर एडमिशन से लेकर किसी भी समस्या, किसी भी डाउट को लेकर आप उन नंबरों पर कॉल्स कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप लेखपाल एंट्री लेकर भेज सकते हैं, एडमिशन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो ये जनघनत्व वाली बात हो गई, अब जनघनत्व के आगे चलते हैं। प्रदेश में 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर का मतलब होता है कि 2001 में जो जनगणना हुई थी और 2011 में जो जनगणना हुई, लगभग 10 वर्ष का अंतर हो गया, तो उन 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई उस वृद्धि को 10 की वृद्धि दर कहा जाता है। और एक वर्ष 2001 से 2002 में आए हम, 2001 से 2002 में आए तब कुछ ना कुछ वृद्धि हो गई, 2002 से 2003 में आए तब भी कुछ ना कुछ वृद्धि रही होगी, तो उस वृद्धि को वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्षिक, वार्षिक वृद्धि दर मतलब एक वर्ष की, और 10 की वृद्धि दर मतलब 10 वर्ष की। तो प्रदेश में 10 की वृद्धि दर यानी जनसंख्या का जो वृद्धि में वृद्धि हुई वो 10 की वृद्धि दर कितनी है, 20.23%, कितनी, 20.23%। औसत निकाले तो औसत आता है 1.85%, कितना, 1.85%। पुरुष वृद्धि दर, पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 19.31%, 19.31%। जितने 2001 में पुरुष थे उससे कितने ज्यादा पुरुष हो गए, 19.31%, उसमें और ऐड कर देंगे तो वर्तमान में जो पुरुष संख्या वो हमारी निकल कर आ जाएगी। महिला वृद्धि दर 21.23। अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है, 10 की वृद्धि दर में किसका वृद्धि दर अधिक रहा, पुरुष का या महिला का, या आपसे पूछ लेगा बिल्कुल लैंग्वेज बनाकर, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें देखी गई,
किस में देखी गई? महिलाओं में देखी गई। महिलाओं में 21.23 की वृद्धि दर हुई और पुरुषों में 19.31%। उसके बाद देश में 10 की वृद्धि दर के अनुसार राज्य का स्थान 15वां है, यानी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य थे उन राज्यों में 15वां राज्य ऐसा है उत्तर प्रदेश, जहां पर सर्वाधिक क्या हुई 10 की वृद्धि दर्ज की गई 15वें स्थान पर। अगला देखते हैं शीर्ष वृद्धि दर वाले जिले, जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किन किन जिलों में हुई और न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले सबसे कम वृद्धि दर कहां पर हुई। तो अगर बात करें शीर्ष वृद्धि दर वाले जिलों की तो सबसे ज्यादा शीर्ष वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर में हुई, उसके बाद गाजियाबाद में हुई, उसके बाद श्रावस्ती में हुई, उसके बाद बहराइच में हुई। यानी हम गौतम बुद्ध नगर से जैसे जैसे बहराइच की ओर जा रहे हैं गाजियाबाद श्रा, हम किस क्रम में जा रहे हैं? घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। किस क्रम में? घटते हुए क्रम में। और न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम वृद्धि कानपुर में देखी गई, कानपुर नगर आपको याद रखना है, हमने आपको पहले पढ़ा है कानपुर नाम से दो है, एक कानपुर नगर है, एक कानपुर देहात है। कानपुर नगर का मुख्यालय कानपुर नगर ही है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। कानपुर नगर उससे ज्यादा हमीरपुर, उससे ज्यादा बागपत, उससे ज्यादा फतेहपुर। तो हम यहां से यहां जा रहे हैं न्यूनतम वृद्धि दर के मामले में, तो यहां पर एक क्या हो रही है? बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। किस में चल रहा है? बढ़ते हुए क्रम में, हमें इसमें बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक ना। तो यहां से देखिएगा, इसमें भी आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो टॉप वाला होता है उसी को आपको सबसे ज्यादा याद रखना होता है। आपसे पूछ लेगा भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शीर्ष वृद्धि दर्ज, शीर्ष 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी, तो गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम वृद्धि दर कहां पर दर्ज की गई? तो कानपुर नगर में, ठीक ना। चलिएगा अगला देखते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है उसी को क्या नाम दिया जाता है? उसी को नाम दिया जाता है लिंग अनुपात। और उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है, राज्य का लिंग अनुपात 912 है। कितना है? 912 है राज्य का लिंग अनुपात। शीर्ष लिंग अनुपात वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो जिस जिले का है उसका नाम है जौनपुर। जौनपुर से कम आजमगढ़, आजमगढ़ से कम देवरिया और देवरिया से कम प्रतापगढ़। यानी हम यहां से यहां जो जा रहे हैं किस क्रम में जा रहे हैं? घटते हुए क्रम है, घटते हुए क्रम में चल रहे हैं, घटते हुए क्रम में। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले देखे जाए तो सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात है वो गौतम बुद्ध नगर, उससे ज्यादा बागपत हमीरपुर, दोनों का बराबर है। यहां पर मथुरा बांदा और कानपुर नगर तीनों का एक समान है, इसलिए हमने 3 लिखे। और उससे नीचे औरैया, तो यहां से हम जो नीचे की ओर जा रहे हैं, यहां से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक ना। तो शीर्ष लिंग अनुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का, शीर्ष लिंग अनुपात वाला जिला जौनपुर और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं लिंग अनुपात के बाद साक्षरता। एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से लिख पढ़ सकता है उसको हम साक्षर कहते हैं, और साक्षरता की गणना जो है वो 6 वर्ष से अधिक के लिए की जाती है। हम 4 वर्ष के बच्चे को ये नहीं कह सकते कि साक्षर या निरक्षर है। तो राज्य की जो कुल साक्षरता दर है वो 67.72 है। कितनी है? 67.72% है, या 67.72% है, यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के लगभग 67.72% लोग साक्षर पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर में राज्य का स्थान तो 29वां, यानी हम बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं साक्षरता दर में। पुरुष साक्षरता 77.3% है, महिला साक्षरता 57.2% है। यानी पुरुष साक्षरता अधिक है और महिला साक्षरता बहुत कम पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता क्या है? बहुत कम है।
साक्षरता में 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है वो 11.36% की हुई है। कितनी हुई है? 11.36% की 10 वर्षों में वृद्धि हुई है, यानी 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता में जो वृद्धि दर्ज की गई वो 11.36% दर्ज की गई। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। शीर्ष साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। तो सबसे ज्यादा साक्षरता जिस जिले की है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, उससे कम कानपुर नगर, उससे कम औरैया, उससे कम इटावा। तो हम यहां से गौतम बुद्ध नगर से इटावा की ओर जा रहे हैं, तो हम किस ओर चल रहे हैं, किस क्रम में चल रहे हैं? घटते हुए क्रम में। कितनी है, कितने प्रतिशत है, ये आंकड़े आपको याद नहीं रखते, घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। और अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की है। सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की है। श्रावस्ती से अधिक बहराइच की, बहराइच से अधिक बलरामपुर की, बलरामपुर से अधिक बदायूं की। ये चार हैं, एक किस क्रम में लिखे हैं, एक घटता हुआ क्रम है और एक किस प्रकार का क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो पहले नंबर पे श्रावस्ती, और अधिकतम या सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर। आगे देखते हैं। शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, शीर्ष महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर, उसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। यानी न्यूनतम की बात आ जाए, चाहे पुरुष साक्षरता में, चाहे महिला साक्षरता में, या फिर ओवरऑल साक्षरता में, तो सबसे न्यूनतम कौन याद रखना है? श्रावस्ती। सबसे न्यूनतम कौन याद रखना है? श्रावस्ती। और शीर्ष दो साक्षरता में, यहां पर गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर। तो गौतम बुद्ध नगर किसमें सबसे अधिक है? पुरुषों में। और कानपुर नगर किसमें अधिक है? महिलाओं। तो शीर्ष महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर, शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। चाहे न्यूनतम महिला साक्षरता पूछी जाए, या न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछी जाए, या ओवरऑल न्यूनतम साक्षरता पूछी जाए, श्रावस्ती। सर्वाधिक साक्षरता कहां पर बताएंगे? गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पर कानपुर नगर। समझ गए ना? इसी प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से रिमेंबर करते रहना है चीजों को। और ये आंकड़े हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आंकड़े बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आंकड़े ना भूल पाए उसके लिए हम आपको एक सुझाव देंगे, बार बार इनको देखते रहिएगा, या फिर आप जो आपके पास मोबाइल फोन होगा, आजकल तो हर किसी के पास स्मार्टफोन होते हैं, एंड्रॉयड होंगे या फिर कुछ लोग आईफोन भी यूज करते होंगे, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आता है, रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाइए, रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपनी भाषा में इस प्रकार से, और अपने ईयरफोन लगाइएगा, रिकॉर्डर अपने सामने रखिएगा, मुंह के सामने पढ़िएगा और बोलिएगा, उसमें बोलना है उसमें अच्छी स्पष्ट भाषा में, शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, शीर्ष महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर, पुरुष एवं महिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। इस प्रकार से पूरा कुछ रिकॉर्ड कर लेना है, पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से पूरा का पूरा आंकड़ा रिकॉर्ड करेंगे तो ये हद से हद, आपकी खुद की भाषा में रिकॉर्ड करना है तो हद से हद ये 4-5 मिनट का एक ऑडियो बन जाएगा। उस 4-5 मिनट के ऑडियो को दिन में 2 बार सुन लीजिएगा। जो भी आंकड़ा आपको याद ना हो रहा हो, जो भी आंकड़ा आपको याद ना हो रहा हो, वहां पर ही मेरा एक घरेलू उपाय आप यूज करिएगा और देखिएगा आपको 101% आपको इससे फायदा मिलेगा। शुरुआती दौर में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था चीजों को भूल रहा था, कहां से कौन सी नदी निकलती है। मैंने यही तरीका अपनाया था जब पढ़ाने जाना होता था, रात में एक बार सोने से पहले सुनता था और सुबह जागता था, फ्रेश होने के बाद एक बार अच्छे से उसको सुनता था। लेकिन जब सुनिएगा तो वॉल्यूम अपने बिल्कुल चरम पर होने चाहिए, हाई स्पीड में सुनना है, सबसे उच्च तीव्रता की ध्वनि पर सुनना होगा, बाहर का शोरगुल आपके कानों तक प्रवेश न कर पाए। 1-2 बार किसी टॉपिक के लिए यूज करके देखिएगा, 101% आपको इससे प्रॉफिट होगा। ठीक ना, चलिएगा इसके आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 15 करोड़, कितने? 15 करोड़ 53 लाख 17,278 लोग हैं,
जो गांव में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कोविड 19 में तो और ज्यादा पहुंच गए होंगे, लेकिन हमें कोविड 19 को ध्यान में नहीं रखना है, हमें जनगणना 2011 को ध्यान में रखना है। अगर इनका प्रतिशत निकाले जाए 19 करोड़ आबादी के लिहाज से, तो ये आता है 77.73%, यानी उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के गांव में या उत्तर प्रदेश में कुल कितनी आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, 77.73%। और अगर आंकड़ा पूछा जाए तो आपके सामने लिखा है 15,53,17,278। उसके बाद देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में प्रदेश का अगर प्रतिशत ज्ञात की जाए तो 18.63। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक गांव में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निवास करती है। पहले नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर निवास करती है? सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले टॉप थ्री लिखे हमने, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो इलाहाबाद है। इलाहाबाद से कम जनसंख्या आजमगढ़ में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उससे कम जौनपुर में। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं तो एक कौन सा क्रम है? ये आपका घटता हुआ क्रम है, ग्रामीण जनसंख्या का घटता हुआ क्रम। और यहां पर न्यूनतम सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या के जिले में पाई जाती है गौतम बुद्ध नगर, उससे ज्यादा महोबा, उससे ज्यादा हमीरपुर। और तो ये कौन सा क्रम है? ये बढ़ता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है ये? तो ये जो क्रम है ये बढ़ता हुआ क्रम है, एक घटता हुआ क्रम और एक बढ़ता हुआ क्रम, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नगरीय जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 4,44,95,063 लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अगर इनका प्रतिशत निकाला जाए तो 22.27%, यानी उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं या कितने प्रतिशत लोग शहरी आबादी के अंतर्गत आते हैं, तो कितने? 22.27%। देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% कितना है? 11.79% है। यानी फिर से बोल दे रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो परसेंटेज रखता है वो कितना रखता है? 11.79%, ठीक ना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है? तो गाजियाबाद जिले में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है, उससे कम लखनऊ में है, उससे कम कानपुर नगर में है और उससे कम आगरा में है। वही है, हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसमें घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। किस क्रम में चल रहे हैं? घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पूछी जाए, सबसे ज्यादा किस जिले में नगरीय जनसंख्या पाई जाती है? तो श्रावस्ती दूसरे नंबर पर, श्रावस्ती, उससे अधिक चित्रकूट, उससे अधिक कौशाम्बी, उससे अधिक संत कबीर नगर। तो ये कौन सा क्रम है? ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है? तो यहां पर जो क्रम है ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक ना। कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है। आइएगा नगरीय जनसंख्या की बात चलते हैं। अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों की संख्या है वो लगभग 4,13,57,608 है। और ये उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 20.69% है। कितने प्रतिशत है? 20.69% है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 907। लिंगानुपात कितना है इनका? तो इनका लिंगानुपात जो है वो 907 है। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जातियां सीतापुर में है, उससे कम इलाहाबाद, उससे कम हरदोई, उससे कम आजमगढ़। हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, किस क्रम में बढ़ रहे हैं? ये घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम। और अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला पूछे जाए, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहां, अनुसूचित जाति कहां पाई जाती है? सबसे कम बागपत, उससे ज्यादा श्रावस्ती, उससे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, उससे कम महोबा। तो यहां पर हम किस क्रम में हैं? यहां पर हम बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक ना। सबसे कम बागपत में और सबसे अधिक सीतापुर में, सबसे अधिक बागपत में और सबसे अधिक कहां पर? सीतापुर में। और सबसे कम कहां पर? बागपत, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियों की संख्या है वो है
कितनी 11,34,273 कितनी है 11,34,273 उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 0.57% 0.57% अगर इनके लिंगानुपात की बात करें तो इनका लिंगानुपात 951 है कितना है 951 है इनका लिंगानुपात और इनका कितना था 907 था अनुसूचित जनजातियों का अधिक है जाति से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो है वो सोनभद्र में पाई जाती है उससे कम बलिया उससे कम देवरिया उससे कम कुशीनगर तो एक घटता हुआ क्रम है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति सबसे कम अनुसूचित जनजाति बागपत बागपत में अनुसूचित जाति भी सबसे कम है और बागपत में अनुसूचित जनजाति भी सबसे कम है बागपत में सबसे कम उससे अधिक कन्नौज उससे अधिक बदायूं उससे अधिक एटा ठीक ना तो ये यहां तक था इसके बाद कुछ नहीं है तो ये जो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ाए थे मानवीय भूल के कारण किसी एक सोर्स से पढ़ने के कारण वो भी सोर्स गलत था गलत बुक से पढ़ लिए थे इसलिए वहां पर इतनी सारी मिस्टेक हो गई थी इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे एक नवीन है और सटीक आंकड़ा है इसको मैंने कई सारे स्थानों से पढ़ा है मैच किया है तो इसी को आप रिमेम्बर रखिएगा इस यहां से कई सारे प्रश्न आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं में मिल जाएंगे नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं आप उन नंबरों पर किसी भी प्रकार की जानकारी लिख सकते हैं एक उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप लेखपाल एंट्री लेकर सेंड कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस को समझने के लिए ठीक है मित्रों धन्यवाद।